वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स शीतल। सो आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मीशो साड़ी हॉल। तो मैंने ना अप्रोक्स काफी टाइम हो गया, लाइक 2-3 महीने हो गए मुझे साड़ीज मंगाए हुए। तो मैंने जिस पर्पज के लिए मंगाई थी, लाइक मेरे को चाहिए थी, मैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाने वाली थी जो अभी तक नहीं बना है। मैं लेजी हूँ काफी, एंड वो मैं बन जाएगी तो इस चैनल पे ऑलरेडी आ जाएगी। तो उसके लिए मैंने है ना कुछ साड़ीज मंगाई थी मीशो से, जो कि काफी अच्छे रेट में मुझे मिल गई। जितनी भी साड़ीज होंगी ना आप लोग इसमें देखेंगे तो वो जो होगी अप्रोक्स अंडर 400 रुपीज है, सारी 400 रुपए के अंडर है। लाइक 5 साड़ीज दिखाऊंगी, सारी आपको 400 रुपए के अंडर मिलेंगी। एंड उसमें से एक साड़ी तो लाइक मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था, वो साड़ी सिर्फ 176 या 180 कुछ की आई है, और आप लोग भी बिलीव नहीं करोगे। चलो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्टेड। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो मैं डालती रहती हूँ। इधर आप लोग खुद भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को इस टाइप का हॉल चाहिए या इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगी। करते हैं हमारी फर्स्ट साड़ी से, तो ये वाली पिक आप लोग देख लीजिए। ये है मेरी फर्स्ट साड़ी जो ग्रीन कलर की है, लुक एट दिस। एंड काफी हैवी हैवी एज इन इसका कपड़ा काफी अच्छा है, जॉर्जेट की साड़ी है, लुक एट दिस। काफी मोटा कपड़ा है, ऐसा नहीं बेकार सा कपड़ा हो, बेकार वाला जॉर्जेट होता है, एकदम पतला वाला होता है, बहुत अजीब सा रहता है, मतलब वो कपड़ा ही अच्छा नहीं होता एक्चुअली। तो लेकिन ये ऐसा वाला कपड़ा नहीं है, काफी अच्छा कपड़ा आया है जॉर्जेट के, एंड काफी हैवी है। लाइक एक और जॉर्जेट की साड़ी दिखाऊंगी, उससे हैवी वाली ये वाली है ग्रीन कलर की, पूरी प्लेन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर आप लड़कियां हो ना तो जैसे इस टाइप की प्लेन साड़ी ले लो, एंड उसके ऊपर डिजाइनर ब्लाउज, डिजाइनर ब्लाउज एज इन काफी जो होता है ना जड़ा हुआ होता है, काफी हैवी ब्लाउज पहनते हो तो काफी अच्छा लगता है, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार ट्राई करना, मैं हमेशा यही करती हूँ, हमेशा प्लेन साड़ीज लूंगी या फिर बॉर्डर भी पतला वाला बॉर्डर लेती हूँ जो लड़कियों के लिए अच्छा ही लगता है। तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ, मैंने सारी डिटेल अपनी इस डायरी में लिख ली है। तो हमारी ये वाली जो साड़ी है, अब सॉलिड प्लेन जॉर्जेट साड़ी विथ अ रोलिंग ब्लाउज, मतलब पूरा ब्लाउज का, पूरी स्लीव्स का ब्लाउज जो होता है, ये पिक्चर है इसकी, पूरा आपको ऐसा मिल जाएगा। एंड गाइज इट्स अमेजिंग रियली। सो गाइज साड़ी की डिटेल ना यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी मिल जाएगी स्क्रीन पे, एंड इसके अलावा आप लोग देखिए ये मेरे पे कैसा लग रहा है, लुक एट दिस, आई एम Really fall in love with this, because यार मेरे को ऐसा लगता है, मैं ना पर्सनली अनमेरिड हूँ अभी, जैसे शादी हो जाएगी उसके बाद, अगर शादी हो जाती है उसके बाद अगर लड़कियां हैवी साड़ीज पहनती है तो अच्छी भी लगती है, लेकिन अगर अनमेरिड लड़कियां पहनती हैं तो अब हैवी टाइप लगती हैं। वो सच है, मतलब एक बार शादी हो जाए तो ठीक है तब भाभी लग लो, लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इतनी हैवी हैवी साड़ी क्यों पहनी, मेरे को तो बहुत अजीब लगता है, इवन शर्म भी आती है। तो लाइक आई लाइक दिस साड़ी, इतनी सिंपल सी है। मैं ना इस साड़ी को अगर चाहूँ, लाइक मेरे पास अभी कोई डिजाइनर ब्लाउज नहीं है, नॉर्मल सा ब्लैक कलर का ब्लाउज है आप लोग देख रहे हो, उसी के साथ मैं साड़ी पेयर कर दूंगी। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके साथ कुछ हैवी टाइप का पहन सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग की हल्दी मेहंदी, मतलब मेहंदी में पहनते हैं ग्रीन तो ज्यादातर, तो अगर मेहंदी है तो आप ना इसके साथ कुछ डिजाइनर ब्लाउज एंड एक बेल्ट, बेल्ट भी कुछ हैवी वाली जो मिरर वर्क वाली बेल्ट्स होती हैं, मैं यहाँ पे ना कुछ लगा दूंगी ऑप्शन नेट से सर्च करके, तो आप लोग देख लेना, ऐसे वाली बेल्ट ले लेंगे तो गाइज सच्ची बता रही हूँ बहुत अच्छी लगेंगी, एंड मेरे को तो अच्छी लगती है। साड़ी थी कि आप लोग शादी में जा सकते हो तो इस टाइप की साड़ी कैरी कर सकते हो, उसके लिए देखो ये है तो बिल्कुल सिंपल साड़ी, लेकिन इसके लिए आपको ना थोड़ा डिजाइनर ब्लाउज, एक हैवी बेल्ट और अच्छी ज्वेलरी, वो सब करोगे ना बाय गॉड यू लुक लिटरली। चलो हम चलते हैं बिना बकबक करे, मैं सेकंड पे चलती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ अकेले में, तो इतना ज्यादा बोलती हूँ बाय गॉड मुझे लगता है मेरे को परमिशन मिल गई है, चल शीतल कुछ भी बोल रहे। तो सेकंड साड़ी है हमारी ये वाली, इसे जो कहते हैं ना बांधनी प्रिंट बोलते हैं साड़ी को, एंड ये ना मैंने अपनी मम्मा के लिए ऑर्डर करी थी, काफी लाइट वेट है, एंड ये भी जॉर्जेट की साड़ी है और काफी ज्यादा सॉफ्ट जॉर्जेट है इसका, लाइक बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता मलमल का कपड़ा टाइप्स,
बहुत ज्यादा सॉफ्ट जॉर्जेट है एंड पहनने में तो बहुत सही लगती है, स्लीक लगती है, एकदम अच्छी लगती है। तो मैं है ना आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो महीनी जॉर्जेट बांधनी प्रिंटेड साड़ी, इसका जो प्राइस था वो 329 में मैंने खरीदी थी, जब जब खरीदी थी। लेकिन अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दे रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो मिल रही है 317 में मिल रही है। एंड इसके अंदर ना आपको 9 से 10 कलर मिल जाएंगे। लाइक मैंने ये थोड़ा मरून कलर का लिया है, अगर आप चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइक ग्रीन एंड अदर कलर भी ले। आप लोग देख पा रहे हो ऑलरेडी कि मेरे पर ये कैसी लग रही है। एंड गाइज ये ना मतलब जिस अभी मैंने शायद एक मूवी देखी थी सत्य प्रेम की कथा, तो उसमें भी ना वो बांधनी प्रिंट वाला लहंगा पहनती है। तो मेरे को जब ये मैंने साड़ी बहुत पहले ली थी, लेकिन मेरे को याद आ गया कि अगर मैं चाहती ना तो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच में मैं उस टाइप का लहंगा बनवा सकती हूँ इस साड़ी में। और नीचे वो वाली स्कर्ट नहीं होती है, जो कैन कैन वाली स्कर्ट होती है वो पहन लो हैवी करने के लिए, एंड इसका लहंगा बनवा लो अंदर थोड़ा कपड़ा लगवा के। काफी अमेजिंग जाएगा आउटफिट इस फ्रॉम स्क्रैच के लिए। एंड क्वालिटी बताऊँ मेरे लिए तो ये ना 329 में मैंने ली थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अच्छी लग रही है। देखो बहुत सारी चीज बच जाती है, अगर हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाऊंगी तो स्कूटी वगैरह या किसी से भी जा रही हूँ, ऑटो करके या कैसे भी जा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा पेट्रोल लगता है, या फिर ऑटो के लिए आप पैसे तो देते ही हो। तो इससे अच्छा है ना ऑनलाइन मंगा लो, उतने में 50-100 रुपए पेट्रोल में दोगे, उतने के अंदर ये ऑनलाइन आ जाएगी। तो मेरे को ना ऑनलाइन का ये वाला मीशो का बेस्ट लगता है, अगर कपड़ा अच्छा निकल जाए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम ऑर्डर कुछ और करते हैं लेकिन हमारे पास आता कुछ और है, तो उस केस में रिटर्न हो जाता है। मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा, जब मैंने ना कुर्ती हॉल करा था। आप लोगों ने अभी देखी नहीं है वो वीडियो, तो वो भी देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसके साथ हुआ था, मैंने कुछ और मंगाया था, मेरे को और रिसीव हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई कोई शॉप मीशो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई रियली अप्रिशिएट दिस, बिकॉज हमारे टाइम में ना हर एक चीज ऑनलाइन में, अगर जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरे को लगता था हर एक चीज महंगी आ रही है, कुछ सस्ता ही नहीं है। लेकिन मीशो से ना आप लोग अफोर्डेबल प्राइस में ले लोगे, वो अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन कुछ शॉपकीपर्स हैं जो वहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं, वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो फ्रॉड के लिए ही आए हैं। कुछ अच्छे वाले भी हैं, लाइक ये जितने भी मंगाए मैंने कपड़े अच्छे निकले हैं, सच में अच्छे निकले, तो कुछ अच्छे भी हैं लेकिन गंदे भी हैं। गंदे कम है, इतने भी नहीं है। तो हाँ बाकी रेटिंग देख के ले लिया करो कि कितनी रेटिंग है। बाकी इसके अलावा जो मैं दे रही हूँ आपको लिंक, उससे लोगे तो आपको सेम मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है, कुछ अपना बेनिफिट वाला कुछ नहीं रखा। बाकी आप यहाँ पे मैं कोड वगैरह भी डाल दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देख लोगे, डायरेक्ट कोड डाल दोगे ना, कोड से सर्च करोगे मीशो पे, आपका वो आइटम आ जाएगा। तो मेरे को तो बहुत अमेजिंग लग रही है, आप देख रहे हो कैसी लग रही है। एंड आई लव दिस साड़ी, एंड मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है। काफी लाइट वेट है एंड गर्मियों के लिए ना काफी अच्छी है, घर में पहनने के लिए बहुत मस्त है, आप ट्राई कर सकते हो। एंड बांधनी प्रिंट है यार, इंडियंस के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज अब है हमारी थर्ड वाली साड़ी, एंड ये वाली साड़ी का अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने काफी ज्यादा बार इसे वियर कराया है, एंड इसकी ट्रांजिशन वीडियो बनाई है, ये फेयरवेल के लिए व्हाटएवर व्हाटएवर, तो बहुत सारी मैंने तो बहुत यूज करी है। एंड ये कितने रुपए की आप लोगों को बिलीव नहीं होगी, सिर्फ 173 या 180 कुछ की है ये वाली साड़ी। ब्लैक कलर की साड़ी है, एंड लड़कियों को पहना, कोई भी लड़की हो किसी भी स्किन टोन की हो, लाइक मेरी वाली क्या है मीडियम टू डस्की वाली स्किन टोन से आप लोग बिलोंग करते हो ना, यू गाइस रियली लव दिस साड़ी। बिकॉज ब्लैक कलर और एकदम प्लेन साड़ी है, ये नेट की है एक्चुअली, पूरी नेट की साड़ी है एकदम प्लेन वाली, और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा ही, नो डाउट, ऐसा नहीं बेकार लगेगा। ब्लैक कलर तो सब पे ही अच्छा लगता है। आप लोग देख रहे हो। एंड एक और चीज, लास्ट वाली जो साड़ी मैं दिखाने वाली हूँ ना, उसके लिए आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग साड़ी है, मेरी फेवरेट है, और मैं पक्का कह रही हूँ आप लोगों की भी फेवरेट होगी, क्योंकि वो है ही इतनी अमेजिंग। चलो मैं दिखाती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ, ब्रासो नेट साड़ी। तो इसका जो प्राइस आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, 176 रुपीज का है। एंड ये वाली जो नेट वाली साड़ी है ना, लुक एट दिस, ये वाली नेट की साड़ी, इसका ना इसके अंदर ना ब्लाउज अटैच आता है, ऐसा नहीं आपको अलग से ब्लाउज लेना है, ब्लाउज आएगा लेकिन उसके अंदर आप लोग को कुछ कपड़ा लगवा के ब्लैक कलर का, एंड उसको
को बनवाना पड़ेगा, या ना बनवाना चाहो ब्लैक कलर के ब्लाउज तो ऑलरेडी इतने मिल जाते हैं, डोंट वरी। एंड गाइस पता है इसके साथ ना एक ही प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों को बता दी, थोड़ा सा जो ये थोड़ा ना थोड़ा रफ वाला कपड़ा है, स्मूथ नहीं है, जो आपको एकदम ऐसे इन हो जाएगा। इसके बाद वाला नेट दिखाऊंगी, नेट की साड़ी दिखाऊंगी, वो बहुत ज्यादा मस्त है। मेरे को अच्छी लगी। एंड आप लोग डिटेल ऑलरेडी यहाँ स्क्रीन पे देख लोगे, और यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग मुझे पहने हुए देख रहे हो, कितनी मस्त लग रही है। फॉर फीमेल्स लाइक इट्स अमेजिंग, फीमेल्स मतलब लड़कियों के लिए ही होती है साड़ी, लाइक फॉर गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स के लिए काफी अच्छी होगी। मैरिड फीमेल्स भी पहन सकते हैं, कुछ अच्छा सा हैवी से इयररिंग ले सकते हो, ज्वेलरी हैवी हैवी ले लो। अगर तुम लाइट वेटेड साड़ी ले रहे हो उसके साथ हैवी ज्वेलरी ले रहे हो, वही होता है कि लाइट के साथ अगर कुछ लाइट पहना है तो कुछ हैवी ज्वेलरी पहन रहे हो। अगर कुछ हैवी तुम्हारा पूरा आउटफिट है हैवी एकदम जड़ा हुआ मोतियों से मिरर वर्क से, देन आपको ना लाइट वेट इयररिंग पहननी है। ये ना मेरा पर्सनल रूल है, मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर मैं कुछ लाइट वेट पहन रही हूँ तो कुछ हैवी पहन लूंगी, क्योंकि वो एनहांस करेगा। तो क्वालिटी ऑलरेडी देख रहे हो काफी अच्छी है, एंड 178 रुपीज में क्या ही आता है, कुछ नहीं आता आजकल, तो मुझे लग रहा है काफी सही है ये। और यस लुक एट दिस, इट्स लुक अमेजिंग। सो चलते हैं हम नेक्स्ट साड़ी पे। नेक्स्ट है ये वाली पिंक, लाइट पिंक, लाइट पिंक कलर की साड़ी, एंड ये भी फुल प्लेन है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये दो साड़ी जो ग्रीन एंड पिंक वाली है, तो ये दो साड़ी मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि मुझे लगा था काफी प्लेन साड़ी होगी, एंड कुछ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच टाइप मेरे को कुछ बनाना था, मेरे को बनाना नहीं था बनवाना था, तो उसके लिए मंगाई थी। लेकिन अभी वो बनानी है, लेट्स सी कब बनेगा। तो ये भी एकदम प्लेन साड़ी है, लुक एट दिस। यार मेरे को प्राइस एक्चुअल याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्राइस एंड कोड वगैरह सब कुछ स्क्रीन पे दे दूंगी, एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी जहाँ से मैंने ये खरीदी है। उसमें आप लोग रेटिंग वेटिंग भी देख लेना कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही लेना, आपकी चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड मैं पहन के भी दिखाती हूँ ये कैसी लग रही है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, मैंने बताया था ना इसका जो कपड़ा है, जैसे वो ग्रीन वाली फर्स्ट वाली जो प्लेन जॉर्जेट दिखाई थी, उसका कपड़ा थोड़ा हैवी था, बट इसका कपड़ा थोड़ा लाइट है बट सॉफ्ट है। दोनों का सॉफ्ट है, वो भी ऐसा नहीं है चुभने वाला नहीं है कोई सा, सॉफ्ट कपड़ा, एंड मेरे को अच्छा लगा है ये, लाइक इट्स अमेजिंग। सो गाइज मैं यहाँ पे इसे पहन के दिखाती हूँ, एंड आप लोग देख के बताइए कौन सी आप लोगों को अच्छी लग रही है, आपकी कौन सी फेवरेट है। एंड मैंने जैसे बताया था ना कि ये एकदम प्लेन साड़ी है, इसके साथ अगर कुछ हैवी पहनते हो, कुछ मिरर वर्क वाला पहनोगे, फिर मिरर काफी हैवी सी बेल्ट लगा लोगे यहाँ पे जो साड़ीज में आती हैं, तो वो ना काफी या कंट्रास्ट में कुछ पहनोगे काफी अच्छा लगेगा। तो वह ट्राई करना, कर लेना यार। चलो करते हैं हम नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है, इसके साथ मैंने सब कुछ रख रखा है। सो नेक्स्ट है ये वाली साड़ी। इसके भी ना मैंने जितनी भी साड़ीज दिखाई हैं सबके मीसो पे 9 से 10 कलर अवेलेबल है, और एक दो साड़ी के शायद इसी के 18 कलर अवेलेबल है। मैंने जो लिंक दूंगी उसमें आप लोग चेक कर सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एंड बहुत सुंदर है, लिटरली बहुत सुंदर। मैं ना ये वाला कलर, उसमें ना बहुत सारे कलर आ रहे थे, लेकिन मैंने ये थोड़ा पिंक, थोड़ा मतलब पिंक भी नहीं है, वॉर्म पिंक टाइप का कुछ है, ऐसा वाला कलर है। काफी पूरा नेट है, पूरी नेट की साड़ी है, ठीक है। और इसके आप लोग देख रहे हो इसका जो बॉर्डर है, लाइक लुक एट दिस, अमेजिंग। नीचे ऐसे मोतियां लगी हुई हैं, एंड ये थोड़ा थोड़ा स्पार्कल टाइप का बॉर्डर है। ये ना मेरे को पर्सनल, पहले मैं इस साड़ी के बारे में बता देती हूँ। साड़ी का जो नाम है वो स्टाइलिश नोमेन साड़ी, एंड इसका जो प्राइस था 373 रुपीज है, एंड ये जो अवेलेबल है 18 कलर्स में अवेलेबल है। वाह, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो किस कलर में। एंड मैंने क्यों ली है इस कलर में वो भी बता देती हूँ। लाइक ये कलर ना मेरे पास था नहीं, लाइक मेरे पास साड़ी ही नहीं है, ये 4-5 साड़ीज है, एंड ये कलर ना मेरे को काफी अच्छा लगा, और ये है भी सुंदर साड़ी। आप ना कुछ लो ना लो, मतलब इन साड़ीज में से मेरी फेवरेट साड़ी ये है, सबसे ज्यादा लाइट वेट ये है, क्योंकि फुल नेट किया, और नेट भी ऐसा वाला गंदा वाला नेट नहीं है कि बहुत ज्यादा गंदा नेट है, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा नेट है। अच्छा एज इन मैं वो बता देती हूँ,
कि सॉफ्ट है, आपको चुभेगा नहीं। कुछ कुछ नेट वाले कपड़े देखे होंगे ना, जो चुभते हैं, जैसे आप अंदर टग इन कर रहे हो साड़ी को, ठीक है, एंड वो चुभ रहा है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये काफी अच्छा नेट है, मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एंड पूरा नेट है और नीचे मैंने बॉर्डर ऑलरेडी दिखा दिया, और नीचे की साइड में ऐसे फ्लावर्स वाले प्रिंट बने हुए हैं, सेम कलर का आपको अंदर के लिए लेना होगा इनर वियर, ठीक है। और इसके साथ ब्लाउज भी आया है, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं होगी आपको, काफी अच्छा लगेगा। तो ये थी मेरी फेवरेट वाली, आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी साड़ी मेरी फेवरेट थी। एंड ऑलरेडी कोट्स वगैरह मैंने सबके ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिए हैं। इसके अलावा आपको ना डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, आपको साड़ीज के लिंक मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में कोड्स मिल जाएंगे, तो आप लोग अगर खरीदना चाहते हो वहां से भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ और इश्यू आता है, लाइक कुछ और आपको पूछना है रिगार्डिंग टू साड़ी, या कुछ और वीडियो बनवानी है, उसके लिए आप पर्सनली मुझे कॉमेंट कर सकते हो, या पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी sheetalsingh_16 है, तो आप लोगों को सर्च करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम आईडी है, तो आप वहां पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। एंड आई होप वीडियो यूजफुल लगी होगी, यूजफुल लगती है लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एक और चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज की चाहिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको कुछ कुर्ती वुर्ती टाइप लेने हैं, कुर्ती या कुछ ऐसा फ्रॉक सूट टाइप्स लेने हैं कुर्ती वाली, तो आप मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट करिए, एंड ये काफी यूजफुल होगी आपके लिए।